हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। गाइस आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रियलमी X2 के अंदर आ चुका है एक बेहतरीन अपडेट और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सभी सारे चेंजेस को हम परफॉर्म करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे बेस्ट फीचर जो है आपका वो आपको देखने के लिए मिल जाता है, स्मूथ स्क्रोलिंग का फीचर ऐड कर दिया गया है। तो गाइस इस फीचर को हम चेक करने वाले हैं इस अपडेट के बाद कि आपको क्या कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे स्क्रीन के अंदर। तो चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और अपडेट करते हैं इस मोबाइल। रियलमी X2 के अंदर हो चुका है न्यू वर्जन डिटेक्ट। मैं बता देता हूँ आपको, सबसे पहले आपको जाना होता है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको सिंपली सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना होगा। सॉफ्टवेयर अपडेट में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू वर्जन डिटेक्टेड एंड्रॉइड 10 रियलमी UI और C.11 का अपडेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और अब मुझे सिंपली अपडेट नाउ के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि यार मेरा वाईफाई से अपडेट हो चुका है। तो अब मैं अपडेट नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, देन मैं आपको सभी सारे चेंजेस को बताता हूँ वन बाय वन कि क्या आपको चेंजेस देखने के लिए इसमें मिल जाए। गाइस तो अब मैं आपको बता देता हूँ सभी सारे फीचर जो कि आपको इस अपडेट के अंदर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला फीचर आपको सिक्योरिटी में मिलेगा। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा जुलाई 2020 का। देन सेकंड चेंज आपको रियलमी लैब के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको एडेड स्मूथ स्क्रोलिंग फीचर, काफ़ी बेहतरीन फीचर आपका ऐड कर दिया गया जिससे आपकी टच एकदम मक्खन की तरह चलने वाली है। देन गाइस सिस्टम के अंदर आपको चेंज देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ आपको फ्लाइट मोड और साथ में ब्लूटूथ को आप एक साथ यूज़ कर पाएंगे जो कि अभी तक नहीं कर पा रहे थे आप। फोन मैनेजर के अंदर चेंज देखने के लिए मिल जाता है जो कि ओवरलैप हो रहा था टेक्स्ट आपका डिस्प्ले के ऊपर, वो यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। देन गाइस आपको ब्लूटूथ के अंदर चेंज देखने के लिए मिलेगा। जब आप ब्लूटूथ को कनेक्ट करके रखते थे और जब उसमें से एग्जिट होते थे तो उस समय पे आपका इशू आ रहा था वल्नरेबिलिटी का, वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। देन गाइस आपको यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर चेंज देखने के लिए मिल जाएगा, फिक्स द डिस्प्ले इशू इन स्टेटस बार। देन गाइस आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉअर के अंदर में चेंज देखने के लिए मिलेगा, फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक रीसेट बटन फेलियर इशू व्हेन एडिटिंग। जब आप एडिटिंग करते थे टास्क की या फिर अपने जो टॉगल्स थे उनकी तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम आती थी, वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। देन आपको गाइस गेम स्पेस के अंदर कुछ चेंज देखने के लिए मिल जाते हैं। गेम स्पेस के काफ़ी सारे एरर्स को यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। तो गाइस फिक्स द स्टेटस बार डिस्प्ले इशू इन नेटवर्क एक्सेलरेशन इंटरफेस अंडर डार्क मोड। डार्क मोड के अंदर में जो आपको नेटवर्क एक्सेलरेशन का इशू आ रहा था वो भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक क्रैश इशू व्हेन क्लिक एग्री टू स्टोरेज परमिशन। जो स्टोरेज परमिशन का पॉपअप आता था वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि इशू था जब क्रैश कर जाता था आपका, वो भी सॉल्व हो जाएगा। देन गाइस फिक्स द एबनॉर्मल डिस्प्ले इशू व्हेन ओपन गेम स्पेस फ्रॉम द होम स्क्रीन। जब होम स्क्रीन से आप डायरेक्टली गेम स्पेस को ओपन करते थे तो वो इशू आ रहा था आपका, क्रैश कर जाता था, तो वो इशू भी यहाँ पर सॉल्व होता हुआ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब गाइज हम वन बाई वन सारे चेंजेस को परफॉर्म करके देखने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं रियलमी X2 के अंदर रियलमी C11 वाला अपडेट आने के बाद। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं चेंजेस की। तो सबसे पहला चेंज आपको देखने के लिए मिल जाता है अबाउट फोन के अंदर सिक्योरिटी पैच लेवल। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल जुलाई 5 2020 का देखने के लिए मिल जाता है। देन आपको सेकंड चेंज देखने के लिए मिल जाता है स्मूथ स्क्रोलिंग का फीचर। तो आपको जाना होता है रियलमी लैब के अंदर। रियलमी लैब के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मूथ स्क्रोलिंग का फीचर आपको यहाँ पे आ चुका है, तो आप इसे एनेबल कर लीजिए। देन आप देखेंगे यहाँ पे कि आपकी टच काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी और काफ़ी अच्छी आप मक्खन की तरह टच को यूज़ कर सकते हैं। तो यार काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पे ऐड कर दिया गया है रियलमी की तरफ से। देन गाइस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है एरोप्लेन मोड के साथ में आप ब्लूटूथ का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं एयरप्लेन मोड को एनेबल करूँगा, देन मैं ब्लूटूथ को एनेबल कर दूंगा। तो दोनों को एक साथ आप यूज़ कर सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। देन गाइस अगला चेंज आपको देखने के लिए मिल जाता है नोटिफिकेशन ड्रॉअर के अंदर। जहाँ पे आप रीसेट करते थे ये वाला बटन आपका रीसेट वाला फेलियर कर जाता था, तो आप रीसेट नहीं कर पा रहे थे अपने टॉगल्स को, तो फिर वो भी इशू यहाँ पर आपका सॉल्व हो चुका है। देन गाइस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है गेम स्पेस के अंदर जो चेंज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चेंज ये हुआ है कि गाइज आपका यहाँ पे जो इशू आ रहा था पॉपअप वाला, स्टोरेज परमिशन जब आप देते थे तो वो वाला इशू आते समय आपका मोबाइल क्रैश कर जाता था या फिर आपकी प्रॉब्लम आ रही थी, हैंगिंग इशू भी आ रहा था, तो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। देन गाइज आपको यहाँ पे जब आप होम स्क्रीन के अंडर में जाके और गेम स्पेस को अनेबल करते थे तो आपको प्रॉब्लम ये आ रही थी कि क्रैश कर रहा था आपका ऐप और आप गेमिंग अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो मैं अब आपको अनेबल करके दिखा रहा हूँ, होम स्क्रीन के अंदर आप गेम स्पेस को भी अनेबल कर सकते हैं और गेमिंग भी कर सकते हैं। तो गाइज ये सारे थे बड़े बड़े चेंजेस जो भी आपको रियलमी X2 के अंदर मिल जाते हैं और आप काफ़ी अच्छी तरीके से इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। सभी सारे चेंजेस आपको मैंने वन बाय वन बता दिया। गाइस कैसा लगा आपको अपडेट और कैसा लगा आपको स्मूथ स्क्रोलिंग का फीचर, बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आपको ऐसी और वीडियोज मिल पाएं। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगली ऐसी एक लेटेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।